नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हरियाणा के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक उत्तराखंड के देवप्रयाग में स्नान के दौरान गंगा के बहाव में बह गए। उनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ की 22 टीमें को लगाया गया है। इन टीमों के साथ ही उत्तराखंड पुलिस भी गंगा में सर्च अभियान जारी रखे हुए है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। हरियाणा कृषि विभाग में सेवारत और चंडीगढ़ निवासी गजराज डांडी अपने परिवार के साथ इन दिनों उत्तराखंड घूमने आए थे। परिजनों के अनुसार जगराज देवप्रयाग स्थित संगम तट पर स्नान कर रहे थे। इस दौरान संगम तट पर उनका पैर अचानक फिसल गया, जिसके बाद गंगा के तेज बहाव में बह गए। यह देखकर वहां मौजूद परिजन और दूसरे लोग शोर मचाने लगे, लेकिन वह उन्हें पानी से बाहर नहीं निकाल पाए। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। देवप्रयाग थाना के प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा ने बताया कि देहरादून से एनडीआरएफ टीम घटनास्थल के लिए निकल चुकी है। इससे पहले देर शाम को हरियाणा कृषि विभाग के निदेशक की ओर से उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से फोन पर बात की जा चुकी है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।